होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और उनको इजी वे में लर्न कैसे करना है। जैसे कि ये टेबल है, ये सब बच्चों को पता है ये टेबल है, आज हम देखेंगे कि ये टेबल हमें इजी वे में इसको हम याद कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बच्चों को सिखाएंगे फाइव रिंग्स बनाते हैं, तो फाइव फिंगर्स हैं, फाइव रिंग्स बना लेंगे और उसके दोनों तरफ वो स्क्वेयर कट करके पेस्ट कर लेंगे। और स्क्वेयर में क्या करना है, एक तरफ तो साइन के एंगल लिखना है और दूसरी तरफ जो एंगल लिखा है उसकी वैल्यू लिखेंगे। तो ये फाइव रिंग्स बन गई है फाइव एंगल्स की। तो हम इसको ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में डाल लेंगे। सबसे पहले हम करेंगे साइन जीरो, और जब इसको डालना है तो इस तरीके से डालना है कि एंगल बाहर आएगा और उसकी वैल्यू अंदर आएगी। उसके बाद है साइन थर्टी, साइन थर्टी के बाद हम डालेंगे साइन फोर्टी फाइव, फोर्टी फाइव साइन सिक्सटी, और साइन सिक्सटी के बाद साइन नाइनटी। अब जब ये पांचों फिंगर्स जल गए, अब हम इसकी मुट्ठी ऐसे बंद करेंगे। अब जब भी हमने सम सॉल्व करना है बाई चेंज, मानिए हमें चाहिए साइन थर्टी, तो हम देखेंगे साइन थर्टी का, यहाँ साइन थर्टी है तो फिंगर ओपन करेंगे तो यहाँ होगा उसकी वैल्यू वन अपॉन टू। सेम है साइन जीरो जीरो, इस तरह साइन की सारी वैल्यूज हम कर सकते हैं। अब ये क्या है, ये यहाँ से ऐसे चलता है, और जब कॉस की वैल्यू निकालते हैं हमें पता है इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो कॉस की वैल्यूज आ जाएंगी। अब कॉस की वैल्यू इधर से स्टार्ट होगी, वन अंडर थ्री अपॉन टू, वन अपॉन अंडर टू, वन अपॉन टू एंड जीरो। और जैसे हमें टैन करना है तो बच्चों को हम बताएंगे टैन होता है साइन अपॉन कॉस, तो जहाँ साइन की वैल्यू उसने की और कॉस की वैल्यू यहाँ से निकाली तो उसको अपॉन करेंगे तो कॉस की। सेम हम कोसेकेंड सेकेंड और कॉट की भी निकाल सकेंगे। तो एक बार फाइव रिंग्स बनने से बच्चा सारी वैल्यूज इजीली निकाल सकेगा। थैंक यू।